तो फ्रेंड वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में सबसे ज़्यादा जो खास बात ये है कि आपको तैयारी यहाँ पे 3 और 4 दोनों की एक साथ तैयारी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आप अगर तैयारी 3 में हैं तो तैयारी 4 की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि उसमें वेकेंसी का अगर देखा जाए तो 1 लाख से ऊपर जा रही हैं। काफ़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है यहाँ पर सीट लेने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इसमें हम देखेंगे क्या, इसमें हम सामान्य अध्ययन को देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके सॉल्व पेपर को देखेंगे। अगर बात की जाए कि क्या होगा तो आपको सबको पता है कि बिहार में अब तक तैयारी 1 और तैयारी 2 दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं एग्ज़ाम। तो यहाँ पे उनके पेपर को यानी पीपीवाई की यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमारा बेस क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, NCERT और SCERT रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये यूथ कंपटीशन की बुक है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ चैप्टर वाइज दिया गया है, तो सबसे पहले आज की जो वीडियो रहेगी वो हमारी हिस्ट्री से रहेगी, उसमें हम फुल हिस्ट्री को कवर कर जाएंगे, उसके बाद देन भूगोल और उसके बाद अदर सब्जेक्ट। और जल्दी ही हमारा पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा 2-4 वीडियो में पूरा PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा हो ये जो लड़ा नहीं है, आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो ज़िंदगी के नाक में दम कर दे। मुझे पता है काफ़ी दिनों से मेरी क्लास आपको मिली नहीं है तो आप मायूस हैं, गुस्सा है, तो ये जाहिर सी बात है और देख भी रहा है मुझे कि आप लोग गुस्सा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि आपने देखा होगा बहुत से यूट्यूबर पूरे टाइम वीडियो डालते रहते हैं, मुझ जैसा कभी कभी डालता होगा, बट इसके पीछे भी एक रीज़न होता है कि हो सकता है कि मे भी मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती हो, नहीं तो मुझे आपको कंटेंट देने में या कहें कि मुझे और आप को आपस में कांटेक्ट रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अदर पर्सनल प्रॉब्लम इतनी हो जाती हैं कि उस बीच हमारा और आपका कांटेक्ट टूट जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि हम जिंदा हैं और ज़िंदगी की नाक में दम करने के लिए तैयार हैं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दें, ठीक है, बस आप इसी जज्बे के साथ जिए, क्योंकि हो सकता है ये हमारी लाइफ का आखिरी दिन हो, तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचें कि आने वाले टाइम पे हंस लेंगे। चलिए देखें प्राचीन भारत का इतिहास। देखिए हम तीनों इतिहास को एक साथ कवर कर लेंगे, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ठीक है। तो इसी वीडियो में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। देखिए यहाँ पे पूछा गया सिंधु घाटी लोगों को नहीं पता था, वैसे तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाता है, बट BPSC ने जो आंसर माना है वो घोड़ा माना है, तो आपका भी आंसर BPSC एग्ज़ाम के लिए घोड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये भी अब ध्यान रखने वाली बात है कि हम किस एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, किस आयोग ने कौन सा आंसर माना है, तो BPSC ने कौन सा माना है तो आप घोड़ा मांगना है, तो आपका भी राइट आंसर घोड़ा रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, तो वो प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी कौन था, तो वो था राजगृह, ठीक है। राजगृह की अगर बात की जाए तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वैदिक काल के दौरान राजगृह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध साम्राज्य में आधुनिक पटना, ठीक है, पटना आपको पता ही है बिहार की राजधानी है, गया तथा शाहबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। बिंबसार की अगर बात की जाए तो 1544 से 492 ईसा पूर्व, और अजातशत्रु का शासनकाल कितना था, तो याद रखिए कि शासनकाल है, टाइम पीरियड है, ये कब से कब तक रहा, ड्यूरेशन है, ठीक है, अवधि है इसकी। तो यहाँ पे देखिए अजातशत्रु की बात की जाए तो ये 492 से 460 के बीच रहा था, और इसने क्या करा था, इसी समय इसकी राजधानी राजगीर या राजगृह थी। अजातशत्रु के समय में आप याद रखेंगे कि इसकी प्राचीन जो मगध साम्राज्य था उसकी राजधानी राजगृह या राजगीर थी, कब थी, तो 492 से 460 ईसा में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, राजगृह ने से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र या यहाँ पे कहें कुसुमपुर स्थानांतरित की। शिशुनाग वंश के शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी स्थानांतरित करके वैशाली को मगध साम्राज्य राजधानी बनाया था। तो इस तरह से यह राजधानी ट्रांसफ़र होती रही है, याद रखिएगा,
क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले कहाँ थी तो याद रखेंगे, अजातशत्रु ने इसके समय की राजधानी क्या थी, राजगृह थी। और किंतु उदयन ने क्या करा था कि राजगृह से अपनी राजधानी कहाँ, पाटलिपुत्र, जिसको कुसुमपुर भी कहा जाता है, स्थानांतरित की थी। अब फिर आया कौन से सुनार, उसने क्या करा, पाटलिपुत्र से राजधानी को कहाँ, वैशाली में स्थानांतरित कर दिया। इस तरह से आप बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं अगर टाइम हो तो आपके पास। यहाँ पे अजातशत्रु कर लिया और उसने कहाँ बनाई है, राजगृह या राजगृह में, ठीक है। और यहाँ पे फिर अजातशत्रु के बाद फिर आप याद रखेंगे कि दूसरा कौन था, तो वो था उदयन, ठीक है। उदयन ने क्या बनाई है, तो वो थी पाटलिपुत्र। फिर शिशुनाग, शिशुनाग ने राजधानी अपनी कहाँ बनाई है, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र से राजधानी स्थानांतरित करके वैशाली। तो इस तरह राजगृह, फिर पाटलिपुत्र, फिर वैशाली, इस तरह से इसकी राजधानी का क्रम बन गया। किंतु कालांतर में कालाशोक ने फिर क्या करा, पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। तो यानी पाटलिपुत्र बीच वाले ने और लास्ट वाले ने राजधानी बनाई, जबकि फर्स्ट और थर्ड वाले ने अपनी अपनी राजधानी अलग रखी, राजगृह और वैशाली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली और मौर्य साम्राज्य तक यही राजधानी रही मगध की, याद रखेंगे, क्योंकि मगध कैसा था, समृद्धशाली था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बौद्ध, जैन और भागवत एवं शिव धर्म की। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाययान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। वहनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो यहाँ पर ये कथन दिए गए हैं, इनका मतलब है यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर, फयान एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। किसके शासनकाल में आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त सी सेकंड के शासनकाल में आया था, ठीक है। फयान, तो ऊपर की कोटेशन गायब हो गई, ठीक है। पाटलिपुत्र शहर में फयान ने लगभग 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया था। फयान, यहाँ पे याद रखिए एक है फयान और एक है हिंसांग, ठीक है। हा को इसको हर्षवर्धन से जोड़ लेते हैं, इस तरह से इसे याद रख सकते हैं आप लॉन्ग टाइम तक। हनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, उनका ना हा को हा से जोड़िए, हा यहाँ पे वहनसांग कब आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। उसने कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज तथा नालंदा, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, अतः कोई भी कथन इसमें से सत्य नहीं है। बौद्धसत्व यहाँ पे है पद्मा पाणी की पेंटिंग स्थित है, तो यह है अजंता की गुफाओं में, याद रखिएगा। ठीक है, पद्म पाणी की जो पेंटिंग है वो कहाँ पे है, तो आप बताएंगे अजंता की गुफाओं में। संस्कृत में पद्म पाणी का शाब्दिक अर्थ होता है कमल धारण करने वाला। बादामी गुफाओं की अगर बात की जाए, तो बादामी गुफाएं मंदिर कर्नाटक के उत्तरी भाग में, यहाँ पर बागलकोट जिले के एक शहर बादामी में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का एक परिसर है। अगर एलोरा गुफाएं की बात की जाए, तो एलोरा दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है, जिसमें क्या है 600 से 1000 ईस्वी की कलाकृतियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय कला में स्तूप या चैत्य और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे स्तूप, चैत्य और बिहार कहाँ पे बनते थे, तो याद रखिएगा आप यहाँ पे देखिए बिहार आ गया, ठीक है। और बिहार कहाँ बनेंगे, बौद्ध धर्म में, इतना तो आपको पता ही है कि बिहार कहाँ बनते थे, बौद्ध धर्म में। तो ये किसके से संबंधित है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखेंगे। यहाँ पे बिहार का मतलब होता है मठों से, ठीक है। और अवशेष यानी स्तूप कहे जाते हैं, और मंदिर या प्रार्थना कक्ष को क्या कहा जाता है, चैत्य कहा जाता है, कई बार पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है,
ठीक है। बिहार क्या है? मठ माने बिहार, बिहार ना आपके कहते हैं ना बिहार जाओ यानी घूमने फिरने निकल जाओ। तो बिहार क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है और स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के अवशेषों की पूजा व सुरक्षा थी। और बौद्ध मठ यानी बिहार का तात्पर्य उस जगह से था से जहाँ बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा उपदेश आदि देते थे। तो बौद्ध गया में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध मठ का ही एक उदाहरण है। याद रखिएगा महाबोधि मंदिर क्या है? बौद्ध मठ का ही एक उदाहरण है। अब चलते हैं 16 महाजनपद जो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो आप याद रखिएगा मध्य गंगा मैदान के किसके हिस्से हैं? तो वो मध्य गंगा मैदान के हिस्से हैं। कौटिल्य यहाँ पे याद रखेंगे मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। कौटिल्य किस स्थान पे राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो यहाँ पे याद रखिएगा कौटिल्य की बात हो रही है। कौटिल्य किससे जुड़े हैं? तो तक्षशिला से जुड़े हैं। आप कभी पटना गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे तक्षशिला से रिलेटेड वहाँ पे पिक्चर्स वहाँ पे आपकी दीवारों पे है। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री दार्शनिक राजनीतिक सलाहकार थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे जो विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है। ठीक है। चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक यहाँ पे है याद रखिए मेघ वर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो ये क्या कहाँ का साल मतलब कब का टाइम पीरियड चल रहा है? तो गुप्तोत्तर काल या गुप्त काल चल रहा है। तो किस गुप्त राजा के पास भेजा था? तो याद रखेंगे वो गुप्त राजा कौन था जिसके पास इस तरह का लेटर गया था? तो क्योंकि चलिए तो वो गुप्त राजा कौन था? तो वो था समुद्रगुप्त। ठीक है। गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था तो वो था समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा विदित से है तो मिशनरी क्वेश्चन आएंगे इसमें। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिकार किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए नीतिकार बहुत फेमस है और ये यहाँ पे बता दूँ आपको चाणक्य की कौटिल्य तो हर कोई पूछ लेता है कौटिल्य अर्थशास्त्र बट यहाँ पे नीति शास्त्र बहुत कम पूछी जाती है। तो याद रखेंगे ये बीपीएससी ने पूछी है तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे ट्रायल 3 की 4 की तो ये आपके लिए अगर आप बीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा नीति शास्त्र किसकी है? तो ये कामानंदक की है। अगर बस यह पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई थी इसका टाइम पीरियड पूछा जाए तो गुप्तों के समय में ये लिखी गई थी। देखिए नीति शास्त्र का कौन होता है यहाँ पे दे रखा है पुस्तक नीति शास्त्र के प्रारंभ पुस्तक नीति शास्त्र के लेखक हैं काम यहाँ पे है कामानंदक। और यह पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसमें प्राचीन भारत के राजनीतिक कूटनीति और राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई है। चलिए यहाँ पर हमें क्या करना है आपस में सुमेलित करना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर किस तरह का सुमेलन है। तो यहाँ पे देखिए अगर बात की जाए चरक की तो चरक का किससे संबंध है? तो आप सबको पता है चरक किससे जुड़े हैं? चिकित्सा से। अगर बात की जाती है ब्रह्मगुप्त की तो ये गणितज्ञ हैं। और बारह मेहर की बात की जाती है तो ये ज्योतिष हैं। और विशाख दत्त की बात की जाती है तो ये नाटककार हैं। तो इस तरह से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं जहाँ हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी? तो वो हो जाएगा बलबन।
ठीक है, बलबन ने क्या करा था, नवरोज की शुरुआत की थी। बलबन पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी। बलबन फारसी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता है। जो फारसी संस्कृति थी उनके लिए बलबन जाना जाता है। उसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा यानी सिजदा और पाबोश को शुरू किया। पूछा भी जाता है सिजदा और पाबोश किसने शुरू की थी, तो याद रखिएगा बलबन ने, तुगलक वंश, तो जिसको बोलते हैं तुगलक वंश। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे, तो वह याद रखिएगा इब्न बतूता जो थे वो मैरिको के थे। चलो यहाँ पे यार राइट आंसर जो हो जाएगा मोरक्को। ठीक है, ये क्या था, इब्न बतूता किस देश का था, तो याद रखिएगा मोरक्को का था, या याद रखिएगा मोर का था। ठीक है, इस तरह से किसी भी तरह से हो बट आपका आंसर गलत नहीं जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख देते हैं। अगर आपको याद रखना है कि मोरक्को ना होकर अफ्रीका हो तो भी आपको यही लगाना है, अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। ठीक है, यह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में वर्ष 1333 में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का अवधि जो है यानी टाइम पीरियड या ड्यूरेशन जो है वो 1325 से 1351 ईस्वी ने इब्न बतूता को दिल्ली यानी काजी या जज नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विविध। विविध क्या है, यह है सल्तनत कालीन से। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था, तो वो है यहाँ पे है कर्नाट राजवंश के दौरान हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर इसकी अवधि की पूछी जाए तो ये 1206 से 1526 ईस्वी बताया है। अगर बात की जाए इस काल में ज्योतिश्वर और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की गई थी। आपको पता है विद्यापति जाने ही जाते हैं मैथिली की रचनाओं के लिए। इसी दौरान मैथिली क्षेत्र में कर्नाट वंश या कहें सिमराव वंश का शासन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है नाथमंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। आंदोलनों की बात हो रही है, वो था कौन सा क्षेत्र था, तो उत्तरी भारत। उत्तरी भारत में धर्म क्षेत्र बहुत आगे या कहें धर्म का प्रचार बहुत तीव्र गति से हुआ था। ठीक है, भारत का उत्तर यानी हिमालय के ये वाला क्षेत्र आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे क्या है कि नाथपंथी सिद्ध और योगी दुनिया के त्याग में विश्वास करते थे। उन्होंने पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना की थी। उनके अनुसार निराकार परमात्मा का ध्यान तथा उसके साथ एक हो जाना ही एहसास मुक्ति का मार्ग है। मुगल साम्राज्य प्रशासन व वित्तीय व्यवस्था का संस्कृति एवं कला, तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे फतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वो था ईश्वर दास नागर के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा फतुहात ए आलमगीरी, तो यह ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी गई थी। अगर बात की जाए 1600 यहाँ पर 1858 ईस्वी तक औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी इसी में शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस बंदर हा किस में शामिल हैं, तो याद रखिएगा फतुहात ए आलमगीरी की जो पुस्तक है उसमें क्या है, औरंगजेब के शासनकाल की घटनाएं शामिल हैं। ये किसने लिखी थी, तो ये ईश्वर दास नागर ने लिखी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था, तो वो था सूरत। ठीक है, सूरत को कहा जाता था।
सूरत अगर बंदरगाह की बात की जाए तो ये मुगल काल के बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी। सूरत गुजरात का प्रमुख शहर है। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है। मध्यकाल के दौरान यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे पश्चिमी एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिएगा, सूरत को दो चीज़ों के लिए जाना जाता है, एक मक्का का द्वार, दूसरा पश्चिमी एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में। क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे अभी बन सकता है। भारत के बाबर के आगमन के कारण, भारत में जो बाबर है उसके आगमन यानी उसके आने के कारणों पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कौन सा कारण इसमें से क्या है, ये कहा जा रहा होगा कौन सा इसमें से सही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, प्रदेश में यहाँ पर तैमुरुंड राजवंश की स्थापना हुई थी। और दूसरा, इसने क्या करा था, युद्ध में तोहफों की शुरुआत भी बाबर ने ही की थी, ठीक है। और याद रखेंगे तो एक तुगलक नीति होती है, उसकी भी शुरुआत किसने की थी भारत में, तो मुगलों ने ही की थी, या कहें यहाँ पे बाबर के शासनकाल के ही दौरान हुई थी। बाबर के आगमन के कारण भारत में तैमूर वंश की स्थापना हुई थी। युद्धों में तोपों की शुरुआत, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुम्बद तुर्कों द्वारा मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद प्रचलन में आए थे। बाबर का जन्म अगर बात की जाए 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के फरगना नामक स्थान पर हुआ था। बाबर ने काबुल पर अधिकार करने के बाद भारत पर चार यहाँ पे प्रारंभिक आक्रमण किए। बाबर ने क्या करा था, काबुल पर अधिकार करने के बाद भारत पर चार यहाँ पे आरंभिक आक्रमण किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी, तो अष्ट प्रधान बहुत पूछा जाता है, तो वो मराठा के शासन काल में थी अष्ट प्रधान, ठीक है। मराठा शासन काल में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की परिषद थी। अष्ट प्रधान यानी किसके शासन काल में थे, तो शिवाजी के थे। अष्ट प्रधान परिषद कहा जाता था। अष्ट प्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था और यह वह शिवाजी द्वारा नियुक्त था। अपने कार्यों के लिए वह शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। यह मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के समान थे, लेकिन शिवाजी मंत्रियों के परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं थे। शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को अनुवांशिक नहीं होने दिया। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि शिवाजी ने किसी भी मंत्री के जो पद था उसको अनुवांशिक नहीं होने दिया। शिवाजी के अष्ट प्रधान मंत्री परिषद निम्न है, तो यहाँ पे याद रखेंगे, पेशवा हतवा मुख्य प्रधान में आ जाएगा, राजा का प्रधानमंत्री। अमित्य में आ जाता है पंत हतवा, यहाँ पे है मजुम, यहाँ पे याद रखिएगा मजुआदार, वित्त और राजस्व मंत्री होते थे। बकिया यहाँ पे है नवीस, तो ये मंत्री ये कहाँ के थे, तो ये वर्तमान गृह मंत्री थे। और सुमत यानी दवीर, तो यह कहाँ के थे, तो ये विदेश मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर सेनापति की बात की जाए तो सारे नौबत और न्यायाधीश कौन था, तो मुख्य न्यायाधीश थे। और पांडेराव सत्र कौन था, तो धार्मिक कार्यों के लिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो वो था इलाहाबाद की संधि। बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि यानी 1665 ईस्वी, इसके अंतर्गत मुगल साम्राज्य ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपये वार्षिक गुताना के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। पूछा भी जाता है तो वो कितनी रकम थी, तो वो थी 26 लाख रुपए के बदले उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा बीबीयू की क्या कह दी थी, दीवानी दे दी। कब, तो ये बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल साम्राज्य, सम्राट कौन था, तो शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी। इलाहाबाद की संधि एक तरह से ना खोखला करने वाली थी, जिसके अंतर्गत मुगल साम्राज्य ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया था, मुगलों ने, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। जब बंगाल दे दिया तो उसका गवर्नर भी कौन बनेगा, अंग्रेज, यानी क्लाइव बन गया। मुगल साम्राज्य ने क्या करा था, यहाँ पे याद रखेंगे, ने
26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी 26 लाख के बदले। यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत आगमन। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना खोला था? तो बहुत फेमस है, तो याद रखिएगा बात हो रही है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कंपनी तो यहाँ पे अगर बात की जाए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो वो हो जाता है 1632 में, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मेंशन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना खोला, तो वो था 1632 में। जो अब पटना यानी यहाँ पे है कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। बिहार में कौन? पुर्तगाली पहले प्रवेश करने वाले यूरोपीय थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे। यहाँ पे अब बात करते हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अभी हमारा कहाँ है आधुनिक भारत में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे फिर हमारे यहाँ से क्वेश्चन कांग्रेस वगैरह के भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत यहाँ पर निर्वर्णीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो वो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या था? विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। जो हमें खेती का मतलब फैलाव कर रहे हैं, विस्तारित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसके लिए क्या था? भूमि को उन्नत करना था। 1857 का विद्रोह, आपको पता 1857 का विद्रोह कैसा विद्रोह था? ये क्रांतिकारी विद्रोह था। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी हुई थी? तो यानी यहाँ पर रानी विक्टोरिया की घोषणा हुई किस तिथि को जारी हुई थी? तो वो तिथि है यहाँ पर 1 नवंबर 1857। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी? यानी किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी? तो यानी कौन आया था रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए? तो वो थे अफगान। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बादा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा था। बादा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। कितने हजार सैनिकों के साथ? तो 10,000 सैनिकों के साथ वो झांसी लड़ने पहुँच गए थे। ठीक है, अफगानों ने सहायता की थी। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा वो है भी यहाँ पे पीडी सावरकर। ठीक है, 1857 के विद्रोह को किसने पहला या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो पीडी सावरकर ने कहा है। कई एग्जामों में बीपीएससी से पूछ चुका है, याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह को वीडी सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ यहाँ पर इंडिपेंडेंस यानी 1857 में लिखा है कि 1857 का भारतीय विद्रोह यहाँ पर क्या है? ब्रिटिश यहाँ पर औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। यानी इन्होंने 1857 की क्रांति को अपनी बुक में बताया, जिस बुक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्न में से कौन से कारण थे? तो क्यों कौन से कारण थे? तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों में समर्थन का अभाव था। यही सब कारण थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को विफल कर दिया।
जो गैंगरेप उनसे ज़्यादा सुलझे हुए तथा संगठित थे और विद्रोहियों के पास एकीकृत कार्यक्रम का यहाँ पर विचारधारा नहीं थी, यानी वो एक नहीं हो पाए थे और समाज के सभी वर्गों में यहाँ पर समर्थन का अभाव था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको मन लगे कि आपको रिवीजन करना है, आप तभी क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है, तो ये फिर रिपीटेड हुआ है, तो VD सावरकर के द्वारा वर्णित किया गया है। ये ऑप्शन देखिए यहाँ पर फिर रिपीटेड हुआ है, ये BPSC स्कूल टीचर 2023 में पेपर 3 में। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी यानी जनरल ने फांसी की झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि वहाँ यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों पर एकमात्र मर्द थी, तो ये कौन थे, तो ये थे, याद रखिएगा, हुरूज। ठीक है, क्योंकि उन्हें कहा भी यही जाता है कि युद्ध के समय ऐसा लग रहा था कि कोई औरत नहीं मर्द युद्ध कर रहा हो। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी, ध्यान रखिएगा, हुरूज था, झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। बस इस तरह से पूछा जाता है। किसने कहा है कि ये, बस इतनी कोटेशन होती है, तो याद रखिएगा हुरूज की कहा, हुरूज का कथन है या हुरूज ने इसे कहा है। तो ये ज्ञात हो गए, ये कब की घटना है, तो यह है 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु होगी, क्योंकि कभी कभी मृत्यु भी इनकी पूछ ली जाती है। तो याद रखिएगा 17 जून 1858। बंकिम चंद्र चटर्जी को उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो वो था सन्यासी विद्रोह का। ठीक है, किस विद्रोह का उल्लेख है आनंद मठ में, तो वह सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। अगर आनंद मठ की बात की जाए तो बंकिमचंद्र चटर्जी का उपन्यास है ये, और इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आनंद मठ की कहानी यहाँ पर 1772 में पूर्णिमा दानापुर और तिरुहत में अंग्रेजों और स्थानीय पुलिस राजा के खिलाफ विद्रोह पर आधारित है। यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। ये कैसी भाषा का है, आनंद मठ याद रखिएगा बांग्ला भाषा का है, दानापुर भी आपका कहाँ है, बिहारी है, याद रखेंगे। इसका प्रकाशन 1882 में हुआ है, 1772 में क्या है ये कहानी क्या हुई, पूर्णिया दानापुर और तिरुहत में अंग्रेजों और स्थानीय पुलिस राजाओं के खिलाफ विद्रोह पर आधारित है ये, और इसका प्रकाशन 1882 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहली हुई थी, संताल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, और यहाँ पे और देख लेते हैं और विद्रोह कौन कौन से हैं, तो ताना भगत आंदोलन और उपयुक्त से कोई नहीं, और यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ताना भगत आंदोलन संबंधित है। देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा सबसे पहले हुआ है, तो याद रखिएगा संताल विद्रोह। संताल क्या थे, एक जनजाति थी और वहाँ पे ये हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि संताल विद्रोह का जो टाइम पीरियड वो क्या है, 30 जून 1855। राणा भगत आंदोलन संबंधित है, तो ताना भगत किससे संबंधित है, तो आदिवासी आंदोलनों से ताना भगत भी संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे यह आंदोलन कब हुआ था, तो 1914 से 1919 तक चला था। यह बिहार यानी वर्तमान झार राज्य के छोटा नागपुर पठान में जतरा भगत और यहाँ पर तुसिया भगत द्वारा किया गया था।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह यानी 1855 से 1856 हुआ था। जो संथाल विद्रोह की बात होती है तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि संथाल विद्रोह अपने आप में एक जनजाति थी और उन्हीं के द्वारा हुआ था। सिद्धू और कानू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह यानी 1855 से 56 में हुआ था, सिद्धू और कानू के बीच में, या कहें सिद्धू और कानू के नेतृत्व में। बीच में का मतलब नहीं होगा, या पीछे का मतलब होता है उन दोनों में, बट यहाँ पर सिद्धू और कानू और अंग्रेजों की और अंग्रेजों के बीच हुआ था। संताल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार यानी अब झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में बसे संताल जनजातियों का विद्रोह था। जल्दी हम आपको क्या करें कि आधुनिक भारत में जो विद्रोह हैं उन्हें कराएंगे, क्योंकि आपकी सिलेबस में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह क्या है। यहाँ पर विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने के कारण रखने पर कल लगाने के कारण हुआ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बहादी आंदोलन, ये लंबी जो दाढ़ी रख लेते हैं इस तरह की, क्या है उन पर कल लगाने के कारण हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में शिक्षा का विकास। अगर बात की जाए 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो याद रखेंगे हिंदू कॉलेज को किसने, तो डेविड यहाँ पे हेयर ने खोला था। चलिए नया देखते हैं, वुड के 1854 के संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजों की सिफारिश की। इसने महिलाओं शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पहिए का नामक पुस्तक किसके द्वारा रची गई थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं, द व्हील्स ऑफ ये इतिहास के पहिए अभी हमने देखा ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो राम मनोहर यहाँ पे लोहिया के द्वारा लिखी गई है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया, गीता रहस्य आपको सबको पता है विजय तिलक, और प्रियजन डायरी यानी 1900 यहाँ पे 75 ये थे जयप्रकाश नारायण। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाली, तो ये भूलिएगा नहीं। जयप्रकाश नारायण की कौन ही है, कौन सी है, तो वह प्रिजन डायरी 1975। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये पीडीएफ आपको हमारे में टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे देखिए ये देखा रखा है, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया जाता है, तो वो पत्रिका कौन सी है जिसको संपादित, तो अल हिलाल पत्रिका जो थी उसको संपादित किया जाता था किसके द्वारा, तो अब्दुल कलाम यानी ए.के. आज़ाद के द्वारा। अल हिलाल अब्दुल कलाम की है, कॉमरेड मोहम्मद अली जौहर की है, जमींदार मौलाना जफर अली खान की है, और बंगाल गजट कौन की है, तो बालधर भट्टाचार्य की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशनल का प्रकाशन हुआ था, तो कब हुआ था, तो वो था 1931 में।
1931 में कांग्रेस की तरफ कौन सी घटना हुई थी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन 1931 में प्रारंभ हुआ था। इसका प्रकाशन पटना में किया गया था। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, तो नील दर्पण किसके द्वारा है, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नील दर्पण दीनबंधु मित्र की रचना है। प्रख्यात बांग्ला नाटककार दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण कब रचित हुआ है, तो 1860 में प्रकाशित हुई थी। नील दर्पण कब प्रकाशित हुई है, तो 1860 में प्रकाशित हुई है। नील आंदोलन का विस्तृत इसमें वर्णन मिलता है। इंडियन डिवाइडेड पुस्तक किसकी है, तो विजय तिलक की। ठीक है, अगर बात की जाए इंडियन डिवाइडेड पुस्तक की तो किसकी हो जाएगी, तो वह राजेंद्र प्रसाद की। इंडियन डिवाइडेड पुस्तक इसकी है, तो राजेंद्र प्रसाद की है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है ये। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी की। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो वो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो महात्मा गांधी की। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। हुंकार साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है, 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से जमुना कारजी, राहुल संक्रत्यान, स्वामी सहजानंद और सरस्वती संबंधित थे। राहुल संक्रत्यान इसके संपादक थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख व प्रकाशक थे। तो इससे एक से अधिक इसमें हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा है, तो राहुल संक्रत्यान दे रखा है, सहजानंद सरस्वती दे रखा है, तो ये दोनों हो जाएंगे, तो इसे उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि आपको पता है बीपीएससी 3 ऑप्शन देता है, वो बीपीएससी 5 ऑप्शन देता है। पाकिस्तान और यहाँ पे है और दी पार्टनी, ठीक है, पाकिस्तान यहाँ पे और दी पार्टीशन जो हुआ है, डिवाइडेड वाला पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखी है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर। पाकिस्तान और दी पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन ऑफ इंडिया किस, बस याद रखिएगा पार्टीशन किसकी है, तो ये है अम्बेडकर की। अम्बेडकर जी ने ये कब लिखी थी, तो ये 1947 में, भारत कब स्वतंत्र हुआ था, तो 1947 में, तो तभी ये डिवाइडेड के ऊपर लिखी है। भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं का एक व्यावहारिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है सीमा। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है, ये हमें देखना है। तो याद रखिएगा इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, ये सही है। इसे यहाँ पे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। इसे अधिनियम को लॉर्ड रिपिन ने निरस्त कर दिया था, ठीक है, ये भी सही है। चलो तीनों ही सही है, तो उपयुक्त उत्तर हो जाएगा डी। देखिए लिटन ने लगाया, यानी लंटन ने लगाया, और लंटन बुझा किसने दी, तो रिपन ने, याद रखिएगा। और गैंगिंग क्या है, इसका दूसरा नाम है, जिस जो कि ये लंटन लेके आप गैंग में ही जाएंगे। बर्नाकुलर अगर प्रेस एक्ट की बात की जाए, तो यहाँ पे 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया। इसे यहाँ पे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये अंग्रेजों और अन्य भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपिन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया गया था। इस कानून का लक्ष्य स्थानीय प्रेस को नियंत्रण और विनियमित तथा गैर अंग्रेजी समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था, जैसे कि ये क्या करते थे, ये अपनी स्वतंत्रता की जो विचारधारा थी वो उन अखबारों में छापते थे। इसलिए बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिहार वालों के लिए, तो याद रखिएगा यहाँ, और आपने कहीं नहीं ये पढ़ा होगा अब तक,
तो यहाँ पे याद रखेंगे दत्त है ये। तो कौन से दत्त हैं? तो कालिंग किंकर दत्त, कभी कभी के दत्त भी आ जाता है, याद रखना ठीक। इसका प्रकाशन कब हुआ है इसका? तो 1957 में केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना द्वारा किया गया है। कुंवर सिंह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के परिवार में से थे, जो वर्तमान बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। वीर कुंवर सिंह तथा उनके भाई अमर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बिहार से, याद रखिएगा। इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे या थी? तो यहाँ पे याद रखेंगे एनी बेसेंट थी न्यू इंडिया समाचार पत्र से। अगर बात की जाए कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन तथा वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री, यहाँ पे इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द एथिन, यहाँ पे एथिंथ सेंचुरी यानी 18th century, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये किसकी पुस्तक है, तो जिसने इस तरह की बातें की हैं ठीक है, 18th century की बात की जा रही है यहाँ पे, तो किसकी पुस्तक है? तो ये है आपकी, याद रखेंगे धर्मपाल की। देखिए यहाँ पर पुस्तकें कुछ इस तरह की पूछी गई हैं जिनके राइटर आपने कभी पहले सुने नहीं होंगे। धर्मपाल भारत के महान गांधीवादी विचारक इतिहासकार राजनीतिक और दार्शनिक थे। धर्मपाल का जन्म अगर कहा जाए तो 1922 में उत्तर प्रदेश के यहाँ पर मुजफ्फरपुर या मुजफ्फरनगर जिले के कादला में हुआ था ठीक है। 18th century यानी की बात की है इन्होंने 1800 के आसपास की। यहाँ पे है मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है द स्क्रिप्ट ऑफ द लोज। फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लोज राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक विस्तृत पुस्तक है, हमें आधारित पुस्तक है। यह पुस्तक सरकार के सिद्धांत और संरचना पर एक विस्तृत ग्रंथ है। इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम यहाँ पे है, यहाँ पे रेमिनी नेसंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुझसे याद रखिएगा महात्मा गांधी एंड बिहार पुस्तक किसकी है? तो राजेंद्र प्रसाद की है। अन्य पुस्तकें और कौन सी हैं? बाबू के कदमों में बाबू और इंडिया डिवाइडेड और सत्याग्रह एट चंपारण आदि भी इन्हीं की पुस्तकें हैं राजेंद्र प्रसाद की। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बाद बाकी सब सुमेलित हैं, एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे याद रखिएगा एडवोकेट ऑफ इंडिया दादाभाई नेहरू जी की, यंग इंडिया महात्मा गांधी की, और यहाँ पे अगर बात की जाए इंडियन स्पेक्टेटर तो ये किसकी है? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे क्या है, ये सुमेलित नहीं है। तो अब देखते हैं कौन कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? दुर्गादास बासु हैं। इंडियन यहाँ पे स्पेक्टेटर का जो संपादन है वो B.M. मालावारी हैं और 20 वर्षों तक किया था। यंग इंडिया का संपादन गांधी जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे हमें सही कथनों को छांटना है। तो सुभाषचंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, सही पूछा जा रहा है, बाद बाकी सब गलत है। ये सुभाषचंद्र बोस थे, उन्होंने इन द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। 1920 से 1942 तक के इतिहास का उल्लेख है इसमें। आ वंच ऑफ ओम यहाँ पे है ओल्ड लेटर्स की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे।
19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये था यहाँ पे राइट आंसर कौन था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। 1877 में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया। भारत में सेल्फ रिस्पेक्टेड मूवमेंट किसने प्रारंभ किया? तो यहाँ पे याद रखिएगा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है यहाँ पे रामास्वामी नायर द्वारा तमिलनाडु में प्रारंभ किया गया था ये, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में कोई है ही नहीं ऊपर, तो याद रखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बट इस आंदोलन को हम देख लेते हैं, 1925 में ईस्वी में रामास्वामी नायर द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का शुरुआत किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य यहाँ पर ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने, समाज में पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं को समान अधिकार के लिए आवाज़ उठाना था। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधन समाज की स्थापना की थी। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इंडिया फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला आर्य समाज का प्रथम संगठन था। स्वदेशी का भी और हिंदी का भी समर्थन करने वाला आर्य समाज का क्या था, ये पहला या प्रथम संगठन था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बस याद रखिएगा ये क्या था, इंडिया फॉर इंडियंस यानी इंडिया किसके लिए है, भारतीयों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है केवल उसे देखते हैं, सही यानी उपयुक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है, बाकी सभी यहाँ पर देखते हैं। राजा राममोहन राय को भारत में नव जागरण का अग्रदूत, ये बहुत पूछा जाता है, इस बार की भी तैयारी 3 में था ये। राजा राममोहन राय को नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था। देखिए यहाँ पर क्या है, स्वामी दयानंद ने संस्कृति ने दिया था, ठीक है, भारत भारतीयों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पर हो ही जाएगा कि एक यहाँ पर उपयुक्त में एक से अधिक। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अग्रदूत हैं जिसके लिए डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज है 1817 कलकत्ता, एक वेदांत कॉलेज 1925 कोलकाता की स्थापना की थी, ठीक है, हिंदू कॉलेज की और वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज यानी 1875 ईस्वी की स्थापना की थी। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला यह प्रथम संगठन था। इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कोलकाता यानी बारा नगर में की थी। इन्होंने 1893 ईस्वी अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था। इस सम्मेलन में उन्होंने भौतिकवाद व अध्यात्मवाद के मध्य संतुलन स्थापित करने पर बल दिया था। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो जो कूका आंदोलन का था उसका प्रारंभिक उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो ये ठीक है, कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य पूछा जा रहा, चलते चलते फिर उसके उद्देश्य बदले होंगे, बट यहाँ प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, सिख धर्म को परिष्कृत करना था। चलिए आप पूरा देखिए, कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना था। कूका पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कूका मुख्य रूप से सिख धर्म का यहाँ का हिस्सा नहीं थे। लोगों को एकजुट करने के लिए सतगुरु राज सिंह ने 12 अप्रैल 1872 को कूका आंदोलन शुरू किया था। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो वह राजा राममोहन राय, ठीक है, जिन्हें आधुनिक भारत का पैगंबर भी कहा जाता है।
राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है, क्योंकि ये भारतीयों में राजनीति चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज तथा उनके अनुयायियों द्वारा 1836 में वंग भाषा प्रकाशक सभा नामक संस्थाओं की स्थापना की थी, जो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रश्नों पर वाद विवाद करती थी। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 1927 में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में की गई थी। यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। इस सम्मेलन की शुरुआत महिला की शिक्षा को बढ़ाने के लिए की गई थी। अब बात करते हैं किसान विद्रोह एवं आंदोलन की। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो यहाँ पे कौन अध्यक्ष थे, तो याद रखिएगा सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे। उन्नीस सौ 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा यानी ऑल इंडिया किसान सभा का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। इस सभा ने एक किसान घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें जमींदार उन्मूलन और सभी किराएदारों के लिए अधिकारों की मांग थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने किस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो जनता चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। इसके सदस्य कौन थे? तो याद रखिएगा सी जे रीड, महात्मा गांधी, एल सी आदमी, राजा हरिहर प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह और जी रैनी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो वो था अहमदाबाद हड़ताल या मील हड़ताल आंदोलन था। अहमदाबाद हड़ताल यानी 15 मार्च 1918 आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इस भूख हड़ताल का प्रमुख कारण मील मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस विवाद था, जिसे 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैल जाने के कारण मिल मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया था। इसे रोकने हेतु मिल मालिकों द्वारा मजदूरों को प्रतिमाह प्लेग बोनस देना शुरू कर किया गया। इस बीमारी के प्रकोप में कुछ कमी होने पर मिल मालिकों द्वारा किए गए इस बोनस को बंद कर दिया गया था। इसलिए यह क्या हुआ था, अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन कहा जाता है पूरी तरह से। तो याद रखिएगा 15 मार्च 1918 की घटना है। बेगमचंद चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? तो चट्टोपाध्याय ने किसका, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख इसमें मिलता है आनंद मठ में। अगर बात की जाए सन्यासी विद्रोह बंगाल में वर्ष क्या था, तो 1770 से 1820 में हुआ था। और बंगाल में वर्ष 1770 के भीषण अकाल के बाद सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ, जिसे घोर यहाँ पे अराजकता और दुर्दशा उत्पन्न हुई। जबकि यहाँ पे हुआ क्या था, विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, हिंदू और मुसलमानों दोनों के पवित्र स्थानों हेतु जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने पर वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? यानी गांधी जी किसके कहने पर चंपारण आए थे? तो बहुत पूछा जाता है राजकुमार शुक्ल के आग्रह या कहने पर गांधी जी चंपारण आए थे। देखिए कब कब आ चुका है, तो बीपीएससी ट्रायल में हर बार आया है। शुक्ल के कहने पर आए थे। 1914 से 1916 में इस क्षेत्र में किसानों के कठोर ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन था। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ है? तो वो है बिहार व बंगाल में।
भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण 1781 में बिहार यानी बंगाल प्रेसिडेंसी में घटित हुआ। इस विद्रोह को बिहारी विद्रोह या बंगाल का किसान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे एक दो आपको कॉलम मिलेंगे आंदोलनों का नाम और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र, ठीक है, और इनको आपको आपस में देखना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अगर नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन क्या था, तो ये यहाँ पे कहाँ था ये नील के पौधों का, तो वो यहाँ पे आंदोलन जो नील के पौधों लगाने का आंदोलन देखा जाए तो इसे देखते हैं यहाँ पे इस तरह से। चलिए यहाँ पे इस तरह से नील के पौधे लगाने का आंदोलन कहाँ हुआ, तो आप सबको पता है चंपारण में खेतिहार या सत्याग्रह खेड़ा में हुआ था। कपास मिल मजदूर सत्याग्रह अहमदाबाद में हुआ था। असहयोग आंदोलनों को बंद करने के लिए आंदोलन चोरी चोरा था, ठीक है, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटना आंदोलनों का नाम और महत्वपूर्ण घटना असहयोग आंदोलनों को बंद करने के लिए कौन घटना, तो होता बंद करने के लिए चोरा चोरी कांड हो गया था। कपास मिल मजदूर सत्याग्रह अहमदाबाद से जुड़ा है और खेतिहार खेड़ा घर से जुड़ा है और नील आपका चंपारण से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे, तो वो थे उपयुक्त में एक से अधिक थे। याद रखिएगा क्या था यहाँ पे, तीन कटिया भूमि पर आपको नील करना ही करना है, इस उसको लेकर यहाँ पे आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। इन शिकायतों की जांच करने के लिए गांधी ने 1917 में चंपारण पहुँचे तथा अहिंसक प्रतिरोध रूपी आंदोलन शुरू किया, जिसके चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ कौन थे, तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई और के यहाँ पर है जे वी कृपलानी, नरहर पारिख और ये सभी इसमें थे। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल भी रहा, तो वो था यहाँ पे याद रखिएगा यह है बारदौली सत्याग्रह गुजरात, क्योंकि बारदौली की महिलाओं ने ही इनको किसकी उपाधि दी थी, तो याद रखिएगा सरदार यहाँ पे इनको सरदार की उपाधि दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 ईस्वी में गुजरात के बारदौली में हुआ था और नेतृत्व किया था किसानों का, और यहाँ प्रांतीय सरकार किसानों ने लगभग 30% वृद्धि कर दी थी। इस आंदोलन के पश्चात उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। इसके लिए 1918 ईस्वी में हुए खेड़ा सत्याग्रह में भी वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रीगेशन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था, तो वो ये राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या है यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए ये बुक आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप एक वीडियो से पूरी बुक को इसको कवर कर सकते हैं। तो गांधी जी द्वारा 1917 में किए गए प्रथम नील सत्याग्रह यानी नील आंदोलन के बाद 4 मार्च 1918 को यूरोपीय नील बागान मालिकों के विरुद्ध सरकार ने चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रीगेशन एक्ट पारित किया। इसी कानून के तहत बिहार, उड़ीसा व बंगाल के कुछ प्रांतों में प्रचलित तीन कटिया पद्धति समाप्त कर दी गई थी। पूछा जाता तीन कटिया पद्धति कब समाप्त की थी, चंपारण कृषि कानून से। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान को भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास पीछे कौन था, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है इरविन था। ठीक है, इरविन कार्यवाही करने का निर्णय लिया। उसने गांधी जी को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया जिसे गांधी ने सहर्ष स्वीकार किया। इरविन ने इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा। इससे रसोईया यहाँ पर वथक मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। पूछा भी जाता है कि किसने गांधी जी की जान बचाई थी, तो उसे वथक मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी।
मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने की थी? तो मद्रास जो महाजन सभा है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, बट यहाँ पे देखते हैं मद्रास महाजन सभा का गठन कब हुआ था, तो 1884 में। बी यहाँ पे एम बी यहाँ पे रघुवाचारी और यहाँ पे बी सुभद्रम अय्यर एवं पी आनंद चालू द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित है। इस सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को यहाँ पर समन्वित करना था। बस इसका याद रखिएगा मुख्यालय कहाँ है, तमिलनाडु में है। हिंदू मेला किसने संगठित किया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है राजनारायण बोस ने संगठित किया था। हिंदू मेला एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था थी जिसकी स्थापना 1867 में यहाँ पे गणेंद्रनाथ ठाकुर ने द्विजेंद्रनाथ ठाकुर और राज यहाँ पे नारायण बोस और नव गोपाल मित्र के साथ मिलकर की थी। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ यहाँ पे बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो विलियम जॉन्स ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप बिहार जा रहे हैं तो बम्बई में हुआ था। इसके सारे अधिवेशन आपको पता होने चाहिए, या कि इसके ए ओ होम क्या थे, इसके संस्थापक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में ब्योमेश चंद बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था। अगर यहीं पर बात कर लेते हैं इस हुआ था, ठीक है, दूसरा और तीसरा अधिवेशन क्रमशः कलकत्ता एवं मद्रास में हुआ था। अभी ट्रायल थ्री में यानी किसमें इसमें क्या पूछा गया था कि दूसरा कहाँ, तो कलकत्ता में, तीसरा कहाँ, मद्रास में हुआ था। सन क्या थी, तो दूसरे की हो जाएगी 86 फिर 87। दादाभाई नौरोजी व यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष रहे थे, यानी दूसरे के दादाभाई नौरोजी, तीसरे के बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष रहे थे, और पहले के वीसी बनर्जी। चलिए, तो इसकी आज जो श्रृंखला है हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके दो वीडियो में इसके पार्ट को दे देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।